क्या आप मैथ्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो? खूब प्रैक्टिस करने के बाद भी मैथ्स में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे? या फिर आपके आसपास किसी टॉपर को देख के आपको ऐसा लगता है कि वो कैसे पढ़ता होगा या कहाँ से पढ़ता होगा? तो अगर ये सारे जवाब आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो में बने रहिए। वेलकम टू स्टडी स्पेस। स्टडी स्पेस में आप सबका बहुत स्वागत है। आज का ये स्पेशल वीडियो जिसमें मैं आपको एक 3-पॉइंट फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप मैथ्स में इजीली इम्प्रूव कर सकते हो। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत बिल्कुल करनी पड़ेगी, बट डेफिनेटली यू कैन इम्प्रूव इफ यू विल इम्प्लीमेंट दीज 3 पॉइंट्स। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज एटीट्यूड। कोई भी अगर हम मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा एटीट्यूड। अगर एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं हुआ, यदि आपको डर लगा, यदि आपको ऐसा लगा कि मुझे तो आता ही नहीं है, तो फिर कभी भी आप मैथ्स के उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। अटेम्प्ट जरूर करोगे बट जो हम डिज़ायर्ड मार्क्स चाहते हैं वो कभी नहीं मिल पाएंगे। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि एटीट्यूड मैटर करेगा। अगर आपका वो एटीट्यूड नहीं है तो उसे बदलना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अप्रोच। अब किसी भी क्वेश्चन को यदि आपको सॉल्व करना है तो उसके लिए अप्रोच इम्पॉर्टेंट है। जैसे अप्रोच में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना। अब ब्रेक करने का मतलब ये है कि अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन है तो आप देखिए कि उसमें गिवन क्या है और वो चाहा क्या रहा है। तो कम से कम 2 पार्ट में तो ये ब्रेक हो ही गया। ऐसे ही अगर उसमें और इन्फॉर्मेशन है तो यू कैन डिवाइड देम इंटू फर्दर पार्ट्स। तो अगर ऐसा अप्रोच रहा तो क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत इजी हो जाएगा और उसके बाद उसको सॉल्व करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आपके मैथ्स में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ये जो अप्रोच है उधर मात खा रहे हो। तो प्लीज सी टू इट दैट योर अप्रोच शुड बी प्रॉपर। एंड द लास्ट फॉर्मूला फॉर इट इज कॉन्फिडेंस। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जो हर जगह ओवरऑल एज अ पर्सनैलिटी इम्पॉर्टेंट होता है। तो डेफिनेटली मैथ्स इज नॉट अ सब्जेक्ट फॉर एनी वन, एनी रैंडम पर्सन जो कि ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन कर दे। इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस एज वेल एज हार्डवर्क। तो यदि आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस आवर्स, ड्यूरिंग योर लर्निंग आवर्स, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से रहती है, यदि आप सारे क्वेश्चन अच्छे से करते हैं, तो डेफिनेटली वो इस कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं, चाहे वो मैथ्स हो या कोई भी एक्स वाई जेड एग्ज़ाम हो, तो डेफिनेटली वहाँ पे आप अपनी सोच से ज़्यादा ही परफॉर्म करके आओगे। तो कॉन्फिडेंस इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर यू शुड वर्क अपॉन इट अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे। तो आई होप दैट ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर क्वाइट क्लियर टू यू। This was a short video and in short I just wanted to explain you that using these points how you can improve your marks in maths. So overall अगर आप maths को improve करना चाहते हो या उसके marks तो आपको ये 3 points को as it is implement करना पड़ेगा। So यदि आप ऐसे और videos चाहते हैं तो आप comment section में mention कर सकते हैं कि आप किस topic पे video चाहते हैं। तो accordingly जिस टॉपिक पे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।